संत परमानंद स्पेशल सर्जरी हॉस्पिटल के उद्घाटन में हमारे बीच में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री अनिल बैजल जी, इस संस्थान के अध्यक्ष बीजी बांगड़ जी, सेक्रेटरी माहेश्री जी, डॉक्टर राजगोपाल जी और जिनके आमंत्रण पर मैं स्वयं भी आए और देश के प्रख्यात कवि सुरेंद्र शर्मा जी, मैं विशेष रूप से सभी ट्रस्टियों को, सभी इस अस्पताल से जुड़े लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिन्होंने संत परमानंद जी के विचारों को, उनके आदर्श जीवन को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी सामाजिक मानवीय सेवा को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये हॉस्पिटल जब मैंने देखा तो निश्चित रूप से नई टेक्नोलॉजी का है, जिसमें कई इनोवेशन भी किए हैं और दिल्ली के लिए, दिल्ली के आसपास के सभी राज्यों के लिए, समाज के गरीब अभाव में रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक सेवा का एक हॉस्पिटल होगा। एक छोटा सा नन्ना सा पौधा रेवाड़ी में एक नेत्र चिकित्सालय से लगा, क्योंकि उस समय बहुत आवश्यकता थी देश के अंदर आँखों के अंदर मोतियाबिंद अन्य बीमारियों की होने के कारण। तो उस समय संत परमानंद जी के विचारों से एक हॉस्पिटल शुरुआत की। आज ये वटवर्ष बन चुका है। निश्चित रूप से हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना उस वैश्विक महामारी के समय इस देश के अंदर चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। वह समय हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए चुनौती का समय था। वैश्विक कोरोना की बहुत बड़ी चुनौती थी। विश्व के बड़े बड़े विकसित देश इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमसे मजबूत देश का भी सामाजिक आर्थिक चिकित्सा का ढांचा चरमरा गया था, लेकिन ये भारत ही था जिनकी संस्कृति संस्कारों के कारण कम संसाधनों होने के बाद भी हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति, हमारी सामूहिकता के कारण हमने उस कोविड चुनौती का मुकाबला किया। उस समय देश के सक्षम लोगों को भी लगा कि यहां पर चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुझे याद है कि देश का कोई हिस्सा नहीं हो, देश का कोई गांव नहीं, कोई ढाणी नहीं, जहां पर कोरोना महामारी का संकट नहीं हो। सभी देश में एक जैसी परिस्थिति थी और उस समय
हॉस्पिटल में एक एक बेड मिलना मुश्किल था। उस समय भी इस हॉस्पिटल ने मानवीय संवेदना के साथ काम किया और मैं विशेष रूप से उन चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी, सफाई कर्मी, तमाम लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने का काम किया। क्योंकि वह समय ऐसा था कि महामारी मनुष्य से मनुष्य में फैल रही थी, उस विपरीत परिस्थितियों के अंदर जैसा कि अभी सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि साक्षात्कार भगवान के रूप में हमारे डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, हमारा छोटे से छोटा कर्मचारी, सफाई कर्मी, उसने मानवता की सेवा का जो पुण्य काम किया, ये हमारी देश के संस्कार हैं कि जब भी कोई मानवीय संकट आता है तो उस मानवीय संकट, हर चुनौती का लड़ने के लिए हमारे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, समर्पित भाव से काम करते हैं। चाहे सीमा पर युद्ध का सवाल हो, जब देश का सैनिक हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करता है, अन्न की कमी हो तो किसान उत्पादन करता है, कर कारखानों को चलाना तो मजदूर अपना समर्पित भाव से काम करता है, तमाम अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो भी जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में अपने कार्य को निर्वहन करता है। क्योंकि ये समय आज़ादी के अमृत महोत्सव का समय है, हमारी आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं। इस 75 वर्ष में हमने सामाजिक आर्थिक विकास भी किया है, हमने सामूहिकता के साथ समाज के सभी लोगों को लेकर समाज के अलग अलग क्षेत्रों का विकास किया है, लेकिन आज एक फिर आवश्यकता हो गई कि हम किस तरीके से समाज को अपना कुछ न कुछ योगदान दे सकते हैं। और इसीलिए समाज के सक्षम लोग जिन्होंने समाज से प्राप्त किया है वह असक्षम और वंचित लोगों की मदद के लिए आ गया है। और मैं इस हॉस्पिटल में देख रहा हूं इसी तरीके के प्रयास सभी लोगों ने अपने आर्थिक सहयोग देकर इस हॉस्पिटल का निर्माण कराया, इसको संचालित किया और वंचित और असक्षम लोगों की चिकित्सा मानवीय सेवा की। लेकिन ये अभी हमें और रास्ता पार करना होगा। दुनिया के अंदर भारत आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक बढ़ता हुआ देश है और इस कोरोना चुनौती के समय हमने साबित कर दिया है कि हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति, हमारे राष्ट्र के प्रति दायित्व, हमारा निर्वहन, किस तरीके से हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। और इसीलिए चाहे अस्पताल हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे प्याह हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अनाथालय हो, हमें कुछ न कुछ इसी तरीके से समाज के सभी सक्षम लोगों को, समाज के सभी आर्थिक
संपन्न लोगों को इसी तरीके से सामाजिक कार्य करने की आवश्यकता है। और हम अगर कुछ न कुछ सब मिलकर कुछ न कुछ योगदान देते रहेंगे तो मैं आशा करता हूं कि जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे तो दुनिया भारत में सबसे आर्थिक सामाजिक हर क्षेत्र में एक सबसे सक्षम सबसे विकसित देश होगा। और यही हमारे संकल्प का पर्व है, क्योंकि सरकार अपने एक अपने प्रयास करते हैं लेकिन हम सरकारी प्रयासों पर ही निर्भर रहे ये अब संभव नहीं है। हमें अब समाज को जोड़ने की आवश्यकता है, सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है, समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जहाँ भी हम अभाव देखें, वंचित लोगों को देखें, गरीब लोगों को देखें, उनकी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता है। किस तरीके से हमारे प्रयासों से हम समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे खुशी ला सकें, मुस्कान ला सकें, उसके जीवन के सामाजिक आर्थिक जीवन को बदल सकें, ये हम सामूहिक मिलकर प्रयास करेंगे तो भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। और यही प्रयास अब समाज ने शुरुआत की है, पहले भी हम तो आज़ादी के पहले भी सक्षम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में सहयोग किया, अंग्रेजों का रास्ता, लेकिन फिर भी उस समय भी आज़ादी की लड़ाई के लिए लोगों का योगदान किया। और आज़ादी के बाद भी हमारी संस्कृति और संस्कार हमेशा मानवीय संवेदना और मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। आने वाली पीढ़ी को हमारी पुरानी पीढ़ी से इसी तरीके से प्रेरणा मिले और आने वाली पीढ़ी भी आप सबके इन कार्यों को देखकर नई पीढ़ी भी इसी तरीके से सामाजिक उत्तरदायित्व दिखाए, सामाजिक कल्याण का काम करें तो हम और सक्षम होंगे। क्योंकि आपने इसी सोच से इस अस्पताल का निर्माण कराया है, जैसा कि मुझे सुरेंद्र शर्मा जी ने बताया था कि हम अगर कोई गरीब व्यक्ति हो, अभाव में हो, तो उसको हम निशुल्क इलाज भी करते हैं। क्योंकि आज आवश्यकता है कि अगर हमें देश को स्वस्थ रखना है, समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छी चिकित्सा सेवा देनी है तो हमें इसी तरीके के अस्पताल निर्माण करने की आवश्यकता है। सरकार चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक रूप से काम कर रही है, नए एम्स बना रही है, मेडिकल कॉलेज बना रही है, वेलनेस सेंटर बना रही है, गांव तक चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक रूप से भी समाज भी इस दिशा की ओर काम करेगा तो एक मजबूत चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देश के अंदर तैयार कर पाएंगे। और मैं कई बार देखता हूं कि कई लोग जो अपने गांव से छोड़कर आगे, लेकिन मातृभूमि वही है, वहां पर अस्पताल बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर सामूहिकता के साथ इसको और आगे बढ़ाएंगे। आपने जिस तरीके से संत परमानंद अस्पताल को एक छोटा सा पौधा था वटवृक्ष के रूप में खड़ा किया, एक मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल बनाया, स्पेशल सर्जरी हॉस्पिटल बनाया, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि दिल्ली नहीं, आसपास के राज्यों और राज्यों से भी देश के अन्य देशों के लोग भी यहाँ इलाज कराने आते हैं। मैं कुछ दिन पहले दुबई गया था तो दुबई में वहाँ पर मेरे साथ जो वहाँ के संसद सदस्य थे उन्होंने बताया कि हम इलाज करने भारत में आते हैं, क्यों भारत के डॉक्टरों की विशिष्टता, प्रमाणिकता,
आज दुनिया के अंदर है, दुनिया के किसी भी देश में चले जाए तो वहाँ प्रोफेशनल्स को देखेंगे तो चाहे डॉक्टर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आईटीएन हो, वो सब भारत के लोग हैं। ये हमारे भारत की मानवीय ताकत है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम आने वाले समय के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी का यही लक्ष्य है कि दुनिया के अंदर भारत सबसे आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में सबसे सक्षम देश बने, हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों और हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व को परिवार मानकर पूरे विश्व की सहायता करने में भारत सक्षम हो, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और मुझे आशा है हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करेंगे और इसी तरीके से मानवीय सेवा, राष्ट्र सेवा को अपने आप को संकल्प करेंगे। पुनः मैं इस संस्थान के अध्यक्ष बांगड़ जी, सुधीर माहेश्वरी जी और तमाम ट्रस्टी और इस अस्पताल में सहयोग करने वाले उन दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से उसी मानवीय संवेदना के साथ यहाँ काम करने वाले चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय हिंद।